वेलकम बैक भाइयों और बहनों। आज का जो लेक्चर है फिजिक्स का, वो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस से, एंड दैट इज द एनालिसिस ऑफ द ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स और वाई फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब आप जो है सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट तो निकाल चुके हो कि जैसे कि अगर ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, या ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, या फिर अलग अलग यहाँ पे जैसे क्यू है, यहाँ पे के क्यू, के स्क्वायर क्यू है, ऐसा कुछ, मतलब कि अनइक्वल चार्जेस। तो ऐसे सब केसेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं किसी पोजीशन पे पूछूं तो वो आप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पोजिशंस स्टडी करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक एक्स पे तो आप भाई टेबल तो बनाओगे नहीं, इतने एक्स पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने एक्स पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग अभी जो है मेनली ग्राफ से इन्हें एनालाइज करने जा रहे हैं, एंड द फर्स्ट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी फॉर, फर्स्ट एनालिसिस इज फॉर टू इक्वल चार्जेस। अगर दो इक्वल चार्जेस हैं अपने पास Q एंड Q, दोनों प्लस Q हैं, और ये जो है सेंटर है इनका, यहां से L डिस्टेंस पे ये है, L डिस्टेंस पे ये है, और ये आपका X है, और X पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये आपका जो है Y है, Y पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो जो ग्राफ बनेंगे, एक ग्राफ बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X, और एक ग्राफ आपका बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस Y। मतलब यहां पे पहले वाले ग्राफ में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस वर्सेस वाई, यू मूव ऑन द एक्स एक्सिस कैसे वेरी करेगा इसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और इस एक्सिस के अलोंग वाई नहीं है, अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं रह गया, इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, जिसमें कि आप क्या करोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी तो आप उसे पॉजिटिव लोगे, और अगर इस डायरेक्शन में आएगी कहीं पे तो आप उसे नेगेटिव लोगे। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो नेगेटिव लोगे। अच्छा, तो वो लेकिन आप इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में प्लॉट करोगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल देखो तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमें पता है कि नो मैटर व्हाट द अदर चार्ज इज, व्हेन यू आर वेरी वेरी क्लोज टू प्लस क्यू, ये एक सिंगल प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड सुपरसीड एनी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ज्यादा, जब जैसे यहां पे तुम कहीं हो अप्रोचिंग क्यू, तब तुम्हारी इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी होगी और राइटवर्ड्स डायरेक्शन में होगी, तो एक्सट्रीमली लार्ज एंड इन द राइटवर्ड्स डायरेक्शन। तो आप इसका ग्राफ जो है कुछ यहां इंफिनिटी से स्टार्ट करोगे, और फिर दोनों ही चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो ये ऐसे चला जाएगा भाई, इसकी भी डिक्रीज कर रही है, इसकी भी डिक्रीज कर रही है, इसकी तो एग्जैक्टली 1/r² से कर रही है, इसकी भी 1/r² से कर रही है, लेकिन उसमें जो है 12 भी एडेड है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां पे। तो इस बात को देखो, ये जो एक हाई पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे व्हेन यू आर वेरी वेरी क्लोज टू दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई एंड इज पॉजिटिव। वेरी हाई तो इधर इंफिनिटी की तरफ, पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बहुत बड़ी है इस दिशा में। अब इसी दिशा में एक्स भी हो, इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, तो ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाओगे, ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऑर्थोगोनल एक्सिस चाहिए, तो हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। अच्छा, सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वेरी लार्ज, अगर इस रीजन में देखो तो वेरी लार्ज एंड इन दी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, यहां पे अवे राइटवर्ड्स था, यहां पे अवे लेफ्टवर्ड्स है, तो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये ऐसे कुछ बिहेव करेगी, सही है, इसकी वजह से भी डिक्रीज होगी,
इसकी वजह से भी डिक्रीज होगी, तो ये कुछ आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बीच में क्या होगा? अब बीच में अगर आप इसको देखो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहां पे अगर तुम खड़े हो तो लेफ्टवर्ड्स ये पुश करेगा अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, पर ये राइटवर्ड्स पुश करेगा ऑब्वियसली बिकॉज यू आर क्लोजर टू क्यू आउट हियर, तो लेफ्टवर्ड्स ज्यादा पुश होगा राइटवर्ड्स कम पुश होगा। यहां पे कहीं लेफ्टवर्ड्स और राइटवर्ड्स दोनों बराबर पुश होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू कैंसिल आउट, तो राइट एट द सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी श्योरली जीरो, और यहां पे माइनस इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ है ये कुछ ऐसा होने वाला है, अगर भरोसा ना हो आपको। जैसे इतना तो ये पहले तो एनालिटिकली क्लियर होना चाहिए, ये एक इंट्यूशन तुम्हारा डेवलप हो जाना चाहिए कि भाई इस क्यू के जस्ट बगल में हो तो यहां पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपरसीड करेगा, इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर पुश कर रहा तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन्फिनिटी ले लो, यहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी ले लो और यहां पे कहीं जीरो। पर फिर भी अगर आपको ये प्रूव करना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ ये है, प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक्स डिस्टेंस पे पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, तो ऐसा वाला ग्राफ आपका प्रिडिक्ट हो जाना चाहिए। लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेट अस से ये पॉइंट है पी वन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी वन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस के क्यू, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। प्लस कर दो, के क्यू कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा भाई, दिस वुड टर्न आउट टू बी एलसीएम में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्योंकि प्लस हो रहा है तो टू एक्सएल कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी वन। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बढ़ेगा वंस एक्स इज ग्रेटर देन एल। तो जब तक आप इस रीजन में हो तब एक्स इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एल, तो डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग इन मच मोर फास्टर मैनर देन द न्यूमिनेटर इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो इधर भी डिक्रीज हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, बस डायरेक्शन का अंतर है वो, उसमें और कोई अंतर नहीं है। अच्छा, बीच में अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टू, यहां पर कहीं अगर निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी टू में क्या होगा, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस आपका l माइनस एक्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और ये डिस्टेंस l प्लस एक्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इस बात को समझो, ये डिस्टेंस इज गोइंग टू बी l माइनस एक्स, ये डिस्टेंस इज गोइंग टू बी l प्लस एक्स, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, से मेरा क्या मतलब है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो इधर देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो इधर देगा। तो अभी क्या करना है, ईपी टू तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन जो कि राइटवर्ड्स डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज लेट अस से टू जो कि लेफ्टवर्ड्स डायरेक्शन में, तो माइनस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन विल बी के क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी के क्यू कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एलसीएम में तुम्हारा आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस फोर एल एक्स, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो माइनस टू एल एक्स, और माइनस ऑफ प्लस टू एल एक्स माइनस फोर एल एक्स हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू लेफ्ट विथ, माइनस फोर के क्यू एल एक्स अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी टू। इसको चेक करो, एट एक्स इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, एट एनी एक्स विच इज पॉजिटिव, एक्स इज ऑब्वियसली लेस देन एल, इस केस में अगर एक्स इज लेस देन एल तभी तो इस रीजन में अगर तुम हो तो एक्स हैज टू बी लेस देन एल, तो क्या होगा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और वैसे भी वो तो होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन जीरो होगी। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन जीरो होगी एज प्रिडिक्टेड ओवर हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा? जहां तक कॉन्केविटी और शेप की बात है तुम इसको डिफ्रेंसिएट करके देख सकते हो कि हाँ कॉन्केविटी और शेप भी ऐसा ही आएगा अगर आपको वो करने की जरूरत है। नहीं जरूरत है तो ये चीज थोड़ा सा इंट्यूशन में डालो, ठीक है, कि ऐसा बनता है यहां पे कॉन्केविटी ऐसी होती है, यहां पे कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स होती है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है इनफैक्ट। अच्छा अभी अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई की तो क्या होगा? पहले एक बार जो है यहां पे डिराइव कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई। यहां पे कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिराइव करें तो डाइपोल में ऐसी चीज आपने देखी है, पर उसमें क्या था, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था चार्ज। यहां पे क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। दोनों की जो है रेडियली अवे ले लो, तो डाइपोल में क्या था, कॉस थीटा कॉम्पोनेंट ऐड हो रहे थे, यहां साइन थीटा कॉम्पोनेंट ऐड होंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई विल बी 2E sin थीटा, और E कितना है, साइन थीटा कितना है, वो या तो कैलकुलेट कर लो या फिर डाइपोल वाले में देख लो। क्या हो जाएगा, E हो जाएगा KQ/L² + Y², क्योंकि √L² + Y² का होल स्क्वायर है यहां पे, और साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा perpendicular upon hypotenuse which is Y upon √L² + Y². तो अभी क्या हो जाएगा भाई, अभी जो है ये हो जाएगा 2KQY/L² + Y² की पावर 3/2। तो अभी आप देख सकते हैं कि Y = 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छा और कोई रीजन नहीं है, ये हर जगह इसी एक सिंगल फॉर्मूले से ये डिफाइन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और Y = 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, Y = ∞ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इन्फिनिटी डाल दोगे तो ऑब्वियसली क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा एट Y = ∞, न्यूमिनेटर उतना बड़ा नहीं होगा। व्हेन Y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तो L इग्नोर कर दोगे तो ये Y³ बन जाएगा, Y/Y³ Y² बन जाएगा, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर विल बी लार्जर तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो यहां पे भी जीरो, सेंटर पे भी जीरो है और इन्फिनिटी पे भी जीरो है और कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो फिर कहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ आने का आसार है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वंस यू राइट दिस डाउन। ठीक है जल्दी से लिखो। तो इस बार क्या होगा, आपका जो है यहां पे हम लोग वाई एक्सिस लेंगे और यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस लेंगे क्योंकि इधर वाई एक्सिस है, मतलब बेसिकली इसको तुमने ऐसे टर्न कर दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस आप इधर पॉजिटिव लोगे और इधर नेगेटिव लोगे ऑब्वियसली। ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एट Y = 0 पे जीरो। अच्छा कई लोग जो है यहां पे पसंद करते हैं चार्जेस बनाना, तो आप भी चाहो तो बना सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ये अब जो एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस बन चुकी है। पर अगर इमेजिन करना है तुम्हें कि चार्जेस यहां पे ऐसे प्लेस्ड हैं और अब तुम इधर मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ रही है किधर घट रही है उसकी बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे जीरो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कुछ कॉम्पोनेंट उसका कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कॉम्पोनेंट उसका एड हो रहा है, तो जो कॉम्पोनेंट उसके एड हो रहे हैं ये 2E sin थीटा। तो जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो तो आप देखोगे कि साइन थीटा जो है, दिस वॉज बाय द वे थीटा, तो दिस इज थीटा, तो थीटा इज इंक्रीजिंग एज यू मूविंग फार्दर अवे, द थीटा इज इंक्रीजिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। तो देयर वुड कम अ मैक्सिमा जहां पे क्या होगा कि इसके इंक्रीज का रेट और इसके डिक्रीज का रेट बराबर हो जाएगा, तो आपका ना वो इंक्रीज कर रहा होगा ना डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा आपका दिखाई देगा, मतलब कि एक मैक्सिमा तक जाएगा फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होकर के जीरो की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहां पे जब इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो इसी का मिरर इमेज अलोंग दी अक्रॉस दी ओरिजिन आप बना सकते हैं। थोड़ा छोटा बना दिया मैंने,
ऐसा कुछ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होने वाला है, मतलब कि यहां पे जीरो, इन्फिनिटी पे जीरो, बीच में कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वो जो मैक्सिमम वैल्यू है किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में बना मैं ऐसे रहा हूं, लेकिन है इसी डायरेक्शन में। अच्छा, वो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसे एनालाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी हर सिमेट्रिक प्लेनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी, ऑन मूविंग अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन मूविंग अलोंग द इक्वेटर ऑफ दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ये इक्वेटर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कि एक एक्सेस जो कि परपेंडिकुलर टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि अगर रिंग ले लो तो रिंग में ये हो जाएगा इक्वेटर या एक्सेस, उधर भी क्या होगा ऐसा ही कुछ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगी और फिर इन्फिनिटी पे भी जीरो होगी। या फिर चार चार्जेस तुम ले लो, ऐसे एक प्लेन में चार चार्जेस रखे हैं, इसमें अगर इस एक्सिस के अलोंग मूव करो, इनफैक्ट अगर तीन भी चार्जेस रखे एक प्लेन में उसमें अगर अलोंग एक्सिस मूव करो तो हमेशा ऐसा ही होने वाला है। तो ये जो पॉइंट है मैक्सिमा का, ये अभी फिलहाल इसके लिए निकाल लो और फिर इन लोग के लिए भी निकालेंगे हम लोग और फिर उसे कंपेयर करेंगे। तो कैसे ये निकाला जाए कि कहां पे मैक्सिमा आ रहा है, तो मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, याद है मैक्सिमा निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि इसका स्लोप जीरो होगा और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव तक नहीं जाएंगे हम लोग स्लोप जीरो देखो दो ही जगह पे है, यहां पे है यहां पे, तो एक ये और ये जो प्लेसेस होंगी वो सिमेट्रिक होंगी, तो प्लस माइनस में आने वाला है तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग वाई एक्सिस ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ई वाई बाय डी वाई, दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी ऑब्वियसली टू के क्यू बाहर आ जाएगा, टू के क्यू बाहर आ जाएगा, और फिर यहां पे क्वोशेंट रूल लगा दो विच इज पहले डिनोमिनेटर बाहर, तो वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर विच इज 1 माइनस न्यूमरेटर बाहर विच इज वाई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 3/2 वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू दी पावर 1/2 इंटू 2y अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच वुड ऑब्वियसली बी वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमा के लिए डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब तुम्हें देखना है कि क्या चीज इक्वल टू जीरो होगी, तो 2KQ तो इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब पॉजिटिव चीजें ही हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3, अब ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, एल कुछ एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो ये पार्ट जीरो होने के लिए वाई इंफिनिटी होना पड़ेगा विच इज करेक्ट। ये 1/2 अगर ये जीरो है तो y इन्फिनिटी होना पड़ेगा, और y इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम लोग को ये ढूंढना है, हम लोग को ये इन्फिनिटी पता है कि हाँ इन्फिनिटी पे भी स्लोप लगभग जीरो हो जाता है, तो उसे भी इग्नोर कर दो, बचा ये पार्ट जो अंदर न्यूमरेटर में है। ये बात समझ में आई, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको जीरो में भेज दिया, इसको जीरो में भेज दिया, हमने कहा ये हमारी पॉसिबिलिटीज नहीं है। अभी ये अगर तुम देखो तो वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 3/2 आई थिंक, यस माइनस 3/2 इक्वल टू जीरो, अगेन इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, बचाइए तो एल स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू जीरो, या फिर एल स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या मतलब हो जाएगा कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस एल बाय रूट टू, और ये चीज आप याद कर लो कि यहां पे ये हो जाता है एल बाय रूट टू और ये हो जाता है माइनस एल बाय रूट टू, यहां पे मैक्सिमा यहां पे मिनिमा, जो कि मैक्सिमा इन इलेक्ट्रिक फील्ड है बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए और ये ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो सेम एनालिसिस अभी हम लोग कर सकते हैं एक डाइपोल के लिए, तो डाइपोल में क्या करोगे आप,
डाइपोल में यहां पे माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये आपका जो है एंड ऑन पोजिशन या एंड ऑन एक्सिस है या आपकी ब्रॉड ऑन एक्सिस है। और यहां पे मेजर डिफरेंस ये है कि यहां पे अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आती है, पर अगर यहां पे भी तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ही आती है। तो अभी वहां पे क्या था डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं? वहां पे क्या था, अभी जो पिछला वाला सिचुएशन था कि प्लस क्यू, यहां पे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती थी ई नेट अलोंग एक्स एक्सिस, और यहां पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही थी। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, यहां पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी अलोंग एक्स एक्सिस ही आ रही है, बस नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है। तो अभी हम लोग प्लॉट करेंगे इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वर्सेज एक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वर्सेज वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस यहां पे जनरल पोजिशन के अलावा कहीं और होता ही नहीं है। अच्छा, तो आई होप आपको याद है डाइपोल पिछले ही लेक्चर का पार्ट था कि एंड ऑन पोजिशन क्या होता है, ब्रॉड ऑन पोजिशन क्या होता है, दीज आर दी एंड ऑन पोजिशंस, एंड ऑन पोजिशन दीज आर दी ब्रॉड ऑन पोजिशंस, और यहां पे एक्सप्रेशन क्या है, यहां पे एक्सप्रेशन क्या है। तो वो एक्सप्रेशन को याद करते हुए, अच्छा बीच में भी क्या एक्सप्रेशन आता है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो वो एक्सप्रेशन अगर तुम यहां पे लगाओगे तो जो है कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो है फिर से अपना इंट्यूशन यूज करें रादर देन अप्लाइंग दैट एक्सप्रेशन कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। अभी पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स का ग्राफ देखते हैं क्या होने वाला है। ये चार्जेस यहां पे माइनस क्यू, इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे प्लस क्यू। अच्छा, फिर ये एक्स एक्सिस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस फॉर एक्स एक्सिस, फिर यहां पे ऑब्वियसली एसिम्प्टोट आएगा, एसिम्प्टोट मतलब जिस लाइन की तरफ टेंड करता है ग्राफ। क्यों आएगा? क्योंकि जब तुम किसी चार्ज के बहुत करीब होते हो ना तो भाग में गया, बाकी सारे क्या चार्जेस पड़े हैं पूरी दुनिया में, उस चार्ज के अगर तुम बहुत करीब हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनफाइनाइट होने वाली है, तो बाकी सारे चार्जेस की फील्ड्स आप इग्नोर कर देते हो। तो इनके आसपास तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी ना भाई। तो यहां पे एसिम्प्टोट हमने पहले से ही बना दिए कि अभी ये तीन सेक्शन में हम लोग ग्राफ एनालाइज करने वाले हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज के पास यहां पे पॉजिटिव इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि यहां से आप अवे राइटवर्ड्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करने वाले हो, और जैसे जैसे दूर जाओगे तो कम होगी। द डिफरेंस बीइंग कि जब आप बहुत दूर जाने लग जाओगे तो ये बहुत तेजी से कम होने लग जाती है, ये स्टीप हो जाता है काफी, ये 1/r² जैसा नहीं रहता है, दिस इज मच स्टीपर, 1/r² जैसे ऐसा है और काफी ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये काफी ज्यादा स्टीपर हो जाता है, थोड़ा और जाकर के चिपक जाता है। तो यहां पे when x is very very larger than l, यहां स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते हो पर आगे चल के आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ क्योंकि इट इज स्टीपर, डाइपोल में आपने डिराइव भी किया है। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे ये अट्रैक्ट करने वाला है अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपनी तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज का अपने से अवे होता है, लेकिन ऑब्वियसली यू आर क्लोजर टू द नेगेटिव चार्ज तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरसीड करेगा देन दिस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, यहां पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस समझो क्या, कि नो मैटर यू आर ऑन द पॉजिटिव चार्ज साइड ऑफ द डाइपोल और द नेगेटिव चार्ज साइड ऑफ द डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल एज लॉन्ग एज यू आर आउटसाइड द डाइपोल विच वी ऑलवेज आर। तभी हमने जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एंड ऑन पोजिशन पे इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन x³। तो यहां पे हमने कोई एक्स को साइन नहीं दिया था, एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये बस पी वेक्टर को साइन दिया था और पी वेक्टर के अलोंग ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, दैट इज एज लॉन्ग एज यू आर आउटसाइड द डाइपोल। व्हेन यू आर क्लोजर टू द डाइपोल व्हेन एक्स इज कंपेरेबल टू एल तो ये अलग फॉर्म ले लेता है। अगर आपको याद हो यहां पे कहीं आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो होता है 2kpx अपॉन x² माइनस l² का होल स्क्वायर, अभी भी लेकिन पॉजिटिव, तो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन द वेरिएशन द ग्राफ लुक्स लाइक दिस ओनली। अच्छा, यहां पे कहीं अगर देखें, तो यहां कहीं अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर गोइंग टू बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो बस दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पे दोनों बराबर होंगे, यहां पे ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, यहां पे आपका ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, लेकिन हमेशा है सेम डायरेक्शन में। तो अगर है सेम डायरेक्शन में तो कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर ही नहीं पाएंगे, और कभी अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे तो कभी ये जीरो नहीं होने वाला है। इस चीज को समझो भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हियर इज नेवर जीरो व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू प्लस क्यू। तो ये अपने से अबे नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हें पुश करेगा, एंड व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू माइनस क्यू तो ये अपनी तरफ मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में पुल करेगा। यहां पे जब तुम हो तो माइनस क्यू अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यहां पे जब तुम हो तो प्लस क्यू अपने से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बोथ बीइंग इनफाइनाइटली लार्ज। यहां पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मिनिमम होगी लेकिन ये भी जीरो नहीं होगी। तो यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है, दैट इज सिंपली 2kq/l², इसकी वजह से kq/l², इसकी वजह से kq/l² दोनों इसी डायरेक्शन में, तो दिस शुड इनफैक्ट बी लेबल्ड 2kq/l² बोथ इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। दिस ऑल्सो रिमाइंड अस ऑफ अ क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन टू यू बैक इन कूलम्स लॉ, आई थिंक लेक्चर 4 और 5 में भी, जिसमें मैंने आपसे पूछा था जब हम लोग 1D इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने आपको ये दे दिया था, तब डाइपोल मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और मैंने पूछा था इसका इक्विलिब्रियम पोजिशन कहाँ आएगा, तो वो अगर आपने सॉल्व किया था तो यहां पे कहीं पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे भाई दो पोजीशन आती है, एक यहां आती है जीरो पे और एक आती है प्लस माइनस इंफिनिटी पे, तो एक्चुअली तीन आती है। तो जीरो पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ दोनों का बराबर है बट इट इज इन द सेम डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। तो अब क्या बचा, एक बचा प्लस इंफिनिटी, दूसरा बचा माइनस इंफिनिटी। तो डाइपोल में इक्विलिब्रियम पोजीशन या ऐसी पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो along the x-axis at least is only at infinities। ये वो पुराना क्वेश्चन बताते हुए हमने वो निपटा दिया। और मेरे ख्याल से एक और पुराना क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको वो डिटेल में नहीं बताया था, मैंने छोड़ दिया था, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया तुम्हारा एंड ऑन पोजिशन। ब्रॉड ऑन पोजिशन देखो भाई, तो ब्रॉड ऑन पोजिशन में मैंने आपको बताया कैसा ग्राफ बनेगा, ब्रॉड ऑन पोजिशन में हमारा ग्राफ बनेगा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वर्सेस वाई का, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ही होती है, माइनस पी वेक्टर में होती है, तो वो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी ब्रॉड ऑन पोजिशन का जो टिपिकल फॉर्मूला है ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, इज माइनस के पी वेक्टर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, बट वेन वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल तो ये हो जाता है ब्रॉड ऑन पोजिशन पे माइनस के पी वेक्टर अपॉन वाई क्यूब। तो बहुत दूर जाने पे इनवर्सिव प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब ये डिक्रीज करता है, तो क्या हो जाएगा भाई, अभी ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर से इधर हम लोग लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस पर, इधर हम लोग लेने वाले हैं वाई, और चार्जेस अपने जो है कैसे प्लेस्ड हैं, कुछ ऐसे प्लेस्ड हैं, यहां पे माइनस क्यू है और यहां पे प्लस क्यू है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन इसमें तो आप देख सकते हैं कि क्या होने वाली है, कहीं एज सच आने वाली है क्या भाई, अगर आप ये देखो, ये ना देखने लगना, अगर तुम्हें यहां कहीं भटकना है फॉर वाई वेरी वेरी क्लोजर टू दी डाइपोल इटसेल्फ, तो फिर ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, इसको इस फॉर्मूला को देख करके लगता है अरे वाई आप जीरो डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर व्हेन वाई इज वेरी स्मॉल, तब फिर ये फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें वाई अगर जीरो डालो तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस के पी अपॉन एल क्यूब, तो वो जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा किधर आएगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, मतलब कि इस तरफ पॉइंट करता है क्योंकि क्यू से आवे और माइनस क्यू के टुवर्ड्स। तो फाइनली जो ग्राफ आता है आपका वो कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, सपोज ऐसे कुछ, दोनों साइड नेगेटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस के पी बाय एल क्यूब। इसमें p की जगह तुम 2qL भी डाल सकते हो, तो फिर वो एक l कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2kQ बाय एल स्क्वायर, विच इज सिंपली इन दोनों का एडिशन, क्योंकि ये भी इधर देने वाला है और ये भी इधर देने वाला है। ये अगर आप चेक करें तो इज गोइंग टू बी द सेम, यहां पे भी माइनस लगना चाहिए था। व्हाई इज दिस गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज ऑब्वियसली द ओरिजिन इज द ओनली कॉमन पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, तो ओरिजिन पे जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो ऑब्वियसली दोनों में सेम आने वाली है, बाकी हर जगह, बाकी इसमें इस वाले ग्राफ में आप किधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो, और इस वाले ग्राफ में आप किधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो, पर ये वाला पॉइंट तो कॉमन है ना, तो ये वैल्यू सेम होने वाली है। इसमें भी कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है एक्सेप्ट फॉर एट इन्फिनिटी। प्लीज राइट दिस डाउन। तो यहां पे दो और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने पहले छोड़े थे। एक आपका था कि चार तुम्हारे पास पार्टिकल्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन है दो पॉजिट्रॉन है, तो कैसे प्लेस करे जाएं अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो चाहिए तो तुमने अभी देख लिया कि अगर सेम नेचर का चार्ज होता है दोनों तरफ, तो यहां पे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ में क्या बनाई, जीरो बनाई, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए तो फिर ऐसा अगर तुम कोई सिस्टम बनाते हो माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बिल्कुल नहीं आती है। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन दो पॉजिट्रॉन है उनमें अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए, कहां पे, यहां पे, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में से एक लेक्चर का क्वेश्चन है, तो आपको अगर यहां पे जीरो चाहिए तो सिमेट्रिकली प्लेस करो ताकि चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल आउट हो जाए। सपोज अगर यहां पे पॉजिट्रॉन है तो यहां पे भी पॉजिट्रॉन है, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिट्रॉन, तो यहां पॉजिट्रॉन और यहां इलेक्ट्रॉन, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो हो जाएगी। अच्छा दूसरा, अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम निकालने के लिए एक साइड केवल नेगेटिव चार्जेस रखो, दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने एक साइड रख दिए और दोनों पॉजिट्रॉन तुमने एक साइड रख दिए, तो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ दी थी, पिछला लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, दैट इज फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देख लो कैसे होगा। पहली बात, आपका फोर्स स्टिल मे बी जीरो, ऐसा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म होने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे जितना फोर्स इधर लग रहा है यहां पे भी उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, मतलब कि यहां और यहां इन दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी सेम हो गई, जबकि हर जगह वेरी कर रही है। ऐसा हो सकता है ना भाई, वेरी करना का मतलब ये थोड़ी कि हर जगह एकदम यूनिक ही अलग ही वैल्यू होगी, कोई दो जगहों पे सेम वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो वो दो जगहों पे हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा है, तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स अभी भी जीरो आए, बट जरूरी नहीं है कि फोर्स जीरो है, जबकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन फोर्स मस्ट बी जीरो। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन डाइपोल मस्ट बी जीरो। ये सब जो है आपके assertion रीजन टाइप के क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, ये मे और मस्ट का डिफरेंस। तो एम्स में आपका जैसे पता है कि assertion रीजन आता है और भी एग्जाम्स में आता है, तो ये जो मे और मस्ट का डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरी बात, अब अगर फोर्स ही जीरो नहीं है,
फोर्स नॉन जीरो है, तो टॉर्क की बात हम लोग विदाउट डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें यहां पे ऐसा कुछ दे रखा है कि एक डाइपोल है, और शॉर्ट डाइपोल, एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अब दे रखी है। मतलब कि यहां पे कैसा होता है कि पॉइंट चार्ज है, ये सपोज एक चार्ज है, और यहां पे एक छोटा सा डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब इस पे क्या फोर्स लगेगी, कितनी नेट फोर्स लगेगी, वो आपको निकालना है। अगेन दिस इज लेफ्ट टू यू टू फाइंड। आपको जो है ये डिस्टेंस x दे रखा है, ये l और ये l दे रखा है, मतलब कि चार्ज का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस पता है, डाइपोल के लेंथ वगैरह पता है, चार्जेस वगैरह पता है, एंगल भी पता है। अब जो है फोर्स निकालो डाइपोल पर। तो दिस इज समवॉट ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टडी। इस एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे डाइपोल की, तब ये क्वेश्चन मैं वापस लेकर के आऊंगा। तब तक खुद से सोचो, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो नेक्स्ट देख लो, अगर जो तुम्हारे पास है, सपोज सिस्टम थ्री हम लोग अभी कर रहे हैं, विच इज अनइक्वल चार्जेस ऑफ द सेम साइन, सपोज एक है क्यू और एक है के स्क्वायर क्यू, किधर भी ले सकते हो। सपोज इधर तुमने क्यू ले लिया और इधर तुमने के स्क्वायर क्यू ले लिया, तो अभी तक आपने क्या कर रखा है, अभी तक आपने इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाल रखा है कि कहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होनी चाहिए अगर ये क्यू है और ये के स्क्वायर क्यू है, या फिर क्यू वन क्यू टू के टर्म्स में मैंने आपको फॉर्मूला निकलवाया था पिछली बार, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे होती है। बेसिक सा फंडा ये होता है कि ये वन इज टू के रेशियो में बढ़ता है, तो अगर ये डिस्टेंस डी है तुम्हारा, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा क्या, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी बाय के प्लस वन, और ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा डी इंटू के अपॉन के प्लस वन। तो ये दोनों तुम्हारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां पे फिर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ही इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, हालांकि जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग वेरिएशन होगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कैसे वेरी कर रही है। तो देख लो भाई, ये अपना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं अभी, ये चार्ज जो है तुम्हारा 4q है और ये चार्ज तुम्हारा 9q है, तो दोनों का स्क्वायर रूट ताकि बहुत आसानी से हम निकाल पाएं। यहां पे एसिम्प्टोट बना देते हैं, अब भाई 9q हो चाहे क्यू हो, जब तुम चार्ज के बहुत पास हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबको सुपरसीड कर जाएगी, बाकी किसी की नहीं सुनेगी, तो ऑब्वियसली यहां पे एसिम्प्टोट आएगा ही आएगा। अभी 9q के तुम पास हो, 4q से तुम दूर हो, चाहे जो हो, यहां पे आपका जो ग्राफ है वो अगर तुम लॉजिकली सोचो तो यही बनना है भाई, इसकी वजह से भी अवे, इसकी वजह से भी अवे, यहां पे बहुत ज्यादा अवे क्योंकि यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अ चार्ज, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, जैसे जैसे दूर जाओगे तो कम होगी। सिमिलरली इधर की कहानी भी होने वाली, इसकी वजह से भी अवे, इसकी वजह से भी अवे, यहां पे भी डिक्रीज करने वाला है, थोड़ा सा यहां पे ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है, ज्यादा तेजी से नहीं पर वैल्यूज इसकी कम होती हैं देन दिस वन, ये थोड़ा सा ऊपर की वैल्यूज होती हैं। द रेट एट विच इट डिक्रीजेस द प्रोपोर्शनैलिटी इज सेम दोनों के लिए, लेकिन इसकी वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होती हैं, इसकी कम होती है जब तुम छोटे वाले चार्ज के पास हो। अच्छा, अब बात बचती है कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो कहां पे 4q और 9q के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। तो हमने क्या देखा था कि जो डिस्टेंस है उसको अंडर रूट क्यू वन अपॉन अंडर रूट क्यू टू रेशियो में बांट दो, तो इसका अंडर रूट अपॉन इसका अंडर रूट विच इज 2/3, उस रेशियो में अगर बांटोगे, ये बहुत ही अच्छा नहीं मैंने बनाया है, एकदम सेंटर पे नहीं बनाया, थोड़ा सा परेशान कर रहा मुझे, तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा,
और इसको 2:3 रेशियो में बांटना है, तो 40% लगभग यहां कहीं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो आएगी। जब इससे लेफ्ट साइड जाओगे तो ये 4q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपरसीड करेगा, जो कि अपने से अवे मतलब कि राइटवर्ड्स मतलब कि पॉजिटिव में भेजेगा। और जब इसके पास जाओगे तो 9q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपरसीड करेगा, जो कि अपने से अवे विच इज लेफ्टवर्ड्स विच इज द नेगेटिव डायरेक्शन उधर भेजेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसी होने वाली है। यहां पे 9q के पास जाओगे तो -infinity, 4q के पास जाओगे तो +infinity, यहां कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो। वो कहां पे जीरो होगी उसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, वो कैसे आपको निकालना है। बेसिकली डी को डिवाइड करना है इनटू द रेशियो √Q1/√Q2। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x = √Q1/√Q1+√Q2 टाइम्स डी, ये आपका एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा अगर ये एक्स है, पहले भी मैं निकलवा चुका हूं। तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम थ्री। यहां पे जो इंटरसेक्ट करेगा यहां पे इस बार एक्स क्या है, एक्स है तुम्हारा 2D/5। ये अगर डी है तो दिस इज 2D/5। अच्छा सिस्टम फोर ले लेते हैं। इसमें क्या है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज है। सपोज इधर तुम्हारे पास क्या है, इधर तुम्हारे पास है -k²q और इधर तुम्हारे पास है q। तो अभी कहां पे आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक तो ये याद होना चाहिए तुम्हें। दूसरा, जब एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स एड अप हो जाती हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये याद होना चाहिए तुम्हें डाइपोल के एनालिसिस से। अच्छा तो इस साइड कहीं आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा डी है, इफ दिस डिस्टेंस इज डी, तो फिर यहां पे जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा दिस इज गोइंग टू बी kx इफ दिस इज x। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर इनका तुम रेशियो निकालो इनके स्क्वायर रूट का तो ये k:1 आएगा, तो दिस इज kx इफ दिस इज x। तो ये तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, k-1x। अब k-1x अगर d हो गया तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा d/k-1। ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया फ्रॉम q। तो इसको जो है अप्लाई कर लेते हैं किसी क्वेश्चन में। यहां पे सपोज फिर से अपने पास इधर एक चार्ज है और इतने ही डिस्टेंस पे इधर एक चार्ज है, कितना कितना चार्ज लेने। सपोज अपने पास जो चार्जेस हैं दे आर समथिंग लाइक यहां पे 4q और यहां पे -q। तो अभी जो रेशियो है वो 2:1 होने वाला है। तो ऐसे केस में अपना यहां पे एसिम्प्टोट फिर से बना लेते हैं चुपचाप। यह एसिम्प्टोट बन गया, यह एसिम्प्टोट बन गया। अभी -q के बहुत पास जाओगे तुम तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू पुल यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। -q से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ लगती है रेडियली इनवर्ड्स, तो यहां पर रेडियली इनवर्ड्स जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, अभी इस रीजन में मैं देख रहा हूं, और यहां से रेडियली अवे जाओगे तो इस रीजन में जाओगे, फिर से राइटवर्ड्स जाओगे, और जो तुम्हारा मैक्सिमा या मिनिमा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेट्यूड का वो क्या होगा, वो तुम्हारा जो है वहां पे होगा जहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, विच इज गोइंग टू बी अगर ये डी है तो 2D/3 फ्रॉम हेयर एंड D/3 फ्रॉम हेयर। तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ बनता है। ये जो मिनिमा है ये आने वाला है यहां से 2D/3 और यहां से D/3 पे। मिनिमा कहां होगा, जहां पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इससे इधर जाओगे तो इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पे ऐड हो रही है यहां तक, यहां पे इससे आगे गए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटी, यहां कहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन व्हाट इट वाज हियर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेसर देन व्हाट इट वाज हियर, बट जितना ये डिक्रीज नहीं हुई उससे ज्यादा ये इंक्रीज हो गई है। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, क्योंकि
इनवर्स कॉइल लॉ लग रहा है, तो अगर सेम डिस्टेंस इधर गए तो जितना ये डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक की, उससे ज्यादा ये इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सम है दोनों का वो इंक्रीज करेगा। सिमिलरली इधर भी सेम एनालिसिस होगा, क्या कि इधर जाने पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, पर जितना ये डिक्रीज नहीं करेगी उससे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, तो ओवरऑल द सम विल इंक्रीज। तो ये सब एनालिसिस खुद से दिमाग से सोचो। अच्छा, इधर भी एनालिसिस करना बहुत आसान है, प्लस फोर क्यू अपने से अवे पुश करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस क्यू अपने तरफ पुल करेगा, लेकिन ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई इज दैट? बिकॉज एक तो ये चार्ज बड़ा, ऊपर से तुम इससे डिस्टेंस कम पे हो, ये चार्ज छोटा उससे ज्यादा डिस्टेंस पे हो, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने वाली है, इसकी ज्यादा होने वाली है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरसीड करेगी एंड द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। यहां पे नेगेटिव क्योंकि अपने से अवे, तो लेफ्ट वर्ड्स डायरेक्शन तो नेगेटिव, और आगे चलते चलते जीरो। यहां पे देखते हैं, यहां पे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर देगा? अपनी तरफ देगा, विच इज गोइंग टू बी लेफ्ट वर्ड्स, विच इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो यहां पे तो ऐसा स्टार्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे आपका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी होने वाला है। कहां पे जीरो होने वाला है? अगर तुम वही रेशियो यहां पे लगाओ तो ये रेशियो होने वाला है 2:1, तो ये 2:1, तो अगर ये तुम एक्स सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा डी ओनली। तो यहां कहीं डी मान लेते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने वाला है, इंक्रीज करने वाला है एक वैल्यू तक, और फिर वापस डिक्रीज करके जीरो हो जाने वाला है। ये मैं ग्राफ थोड़ा सा यहां पे अलग से बना दे रहा हूं, ये ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है कि इधर ऐसे, इधर ऐसे, और इधर ऐसे। तो दिस डायग्राम इन इटसेल्फ इज गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें बताने वाला है। ये बाय द वे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और यहां पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल या अनस्टेबल हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां जहां तुमने देखी है वहां वहां SHM होने के चांसेस होते हैं, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वहां वहां आप SHM का क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। अब वो कब SHM करेगा? यहां पे अगर आप देखो तो स्लोप नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां रखोगे तो SHM करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, प्लस QE होगा। यहां पे अगर आप देखो तो स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स वर्सेस एक्स का स्लोप जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और फोर्स जीरो होनी चाहिए, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, नहीं तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज रखोगे तो SHM करेगा। तो ये डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहां पे ऐसा एक सेटअप है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज SHM कर सकता है कि नेगेटिव चार्ज? तो यहां पे मैं अलग से जोड़ दे रहा हूं, इसके बारे में खुद सोचना, एनालिसिस करना एक बार, मैं सिर्फ मेरे बोल देने से और तुम्हारे सुन लेने से नहीं समझ में आएगा। यहां पे सोचो कि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ाया उसे तो किधर फोर्स लगा, पीछे बढ़ाया उसे तो किधर फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज इधर रखा तो क्या होगा, आगे बढ़ाया उसे तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, पीछे बढ़ाया उसे तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, कौन सी सिचुएशन में SHM हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में नहीं हो सकता है। तो यहां पे माइनस क्यू विल अंडरगो SHM और यहां पे प्लस क्यू विल अंडरगो SHM। और ऐसा नहीं है कि जब भी सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो प्लस क्यू विल अंडरगो SHM और ऑपोजिट नेचर के होंगे तो माइनस क्यू विल गो अंडरगो SHM। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तब क्या होता, तब ये दोनों पलट जाते, तो फिर माइनस क्यू वुड हैव अंडरगोन SHM, फिर प्लस क्यू नहीं होता, क्योंकि यहां से तुम जरा सा भी शिफ्ट करते तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जाते ये लोग। और उल्टा सिमिलरली अगर ये दोनों उल्टे कर दें, माइनस फोर क्यू कर दें, ये प्लस क्यू कर दें, तो फिर यहां पर प्लस क्यू विल अंडरगो SHM। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा चार्ज बड़ा है, कौन सा चार्ज छोटा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और यहां पे इन दोनों का नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कौन सा चार्ज विल अंडरगो SHM। यहां पे सेम नेचर का चार्ज विल अंडरगो SHM, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे जो छोटा वाला चार्ज है उसके नेचर का चार्ज इज गोइंग टू अंडरगो SHM। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लो।